हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बेसन का चीला बनाना। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसको ब्रेकफास्ट में आराम से बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम तेल में बन करके तैयार हो जाता है। तो आइए फिर फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे बनता है बेसन का चीला। चीला बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को मैंने पहले छान लिया था। अब इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक पतला घोल तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर पहले भी डाल सकते हैं और इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो बेसन है हमारा फूल जाएगा अच्छे से। 15 मिनट हो चुके हैं तो बेसन हमारा फूल चुका है। तो अब मैंने 1 प्याज लिया है, ये प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 टमाटर है, इसको भी बारीक काट लिया है। अदरक है 1 टुकड़ा और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और 2 हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। तो ये सब जो सारी सब्जियां हैं इसमें हम डाल देंगे। अदरक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, प्याज डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे और इन सारी सब्जियों को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। बेसन में मिक्स कर देंगे और एक तवा रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ पर तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तवे पर और 2 चम्मच बड़ी चम्मच है ये, इसको डालेंगे भर के और हम फैला देंगे। ऐसे गोल शेप में हम जो चीला है उसको अच्छे से फैला देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर सा चेंज हो गया, नीचे से ही सिक गया हल्का सा। तो मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और अब हम थोड़ा सा सिकने का इंतज़ार करेंगे। तवे को ऐसे तिरछा कर देंगे जिससे कि जो ऑयल इसके तवे के किनारों पर आ जाता है वो बीच में चीले पर पहुँच जाए। अब ये एक तरफ से सिक गया है तो हम इसको पलट देंगे। पहले छुटा लेंगे चारों तरफ से, फिर इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम सेक लेंगे। ऐसे पलटते हुए हम चीले को अच्छा सेक लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चीला हमारा सेक चुका है तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी सेम प्रोसेस से हम अपने सारे चीले बना लेंगे।